बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3 हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है कौन सा है। हमें पता था रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा नहीं होता और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा होता है। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, अब मैं इस क्वेश्चन को देख के जज करूँ कि इसमें रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी कौन सा, तो मैं ये कहूँगी कि 3 रियल है और 2 जो है वो इमेजिनरी है, जबकि गलत है। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद बताएंगे इसमें रियल कौन सा और इमेजिनरी कौन सा है। ठीक है, आयोटा जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। मैंने आयोटा को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। मैंने -1 लिख दिया, सही। 3 आयोटा प्लस माइनस 2 वन ज़ा 2, मेरे पास ये आंसर आया। तो इसमें अब मुझे बताना रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी कौन सा। मैं कहूँगी रियल पार्ट है इसमें मेरे पास -2 और इमेजिनरी पार्ट है मेरे पास 3। सही, मुझे क्वेश्चन से क्या लग रहा था कि 3 रियल है और 2 इमेजिनरी है, जबकि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे यहाँ पता चला कि मेरे पास 3 इमेजिनरी है और 2 रियल है, -2 रियल है। तो यहाँ आप लिखेंगे रियल पार्ट -2 है और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास 3 है। जब भी आप पार्ट लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट, तो इसमें आप आयोटा को शो नहीं करेंगे। आपके पास MCQ आए और आपने आपके पास जो है वो ऑप्शंस हों, एक 3 हो और एक 3 आयोटा हो, अगर आपने 3 आयोटा को टिक किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने किसको टिक करना है? 3 को टिक करना है, क्योंकि पार्ट में आप आयोटा को शो नहीं करते। सही हो गया हमारे पास। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने से कौन सा है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है इससे रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी कौन सा है। पहले इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद बताएंगे रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी कौन सा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। सही, मतलब ये रियल और इमेजिनरी पार्ट वाले की बात कर रही हूँ मैं। सही, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, मैथ्स में नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयोटा मैथ्स में जो है बर्दाश्त नहीं करता, मैथ्स जो है वो आयोटा को डिनोमिनेटर में। तो हम पहला काम क्या करेंगे, इस आयोटा को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आयोटा से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है। मैंने आपको ये पहले बार समझाई थी कि जब भी ऐसा हो कि अगर तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हों, एक रियल और एक इमेजिनरी, तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर एक वैल्यू है आपके पास, तो आप सिर्फ और सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो हम आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे हैं। तो ये है 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई भी हम आयोटा से करवा रहे हैं और डिवाइड भी हम आयोटा से करवा रहे हैं। ठीक है, जब ये आयोटा इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया और ये वाला आयोटा नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। सही, 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, मैं जानती हूँ -1 के इक्वल होता है। 3 आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 के इक्वल होता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दें आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, क्योंकि 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और नीचे प्लस ये हो जाएगा -3 वनजा 3 हो जाएगा। अब इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा डिवाइड बाई -3 और प्लस 1 ओवर -3। 3 इस वैल्यू के नीचे भी है, 3 इस वैल्यू के नीचे भी है। ठीक है, अच्छा ये इस माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, -2 आयोटा ओवर 3 प्लस माइनस -1/3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइन। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब इसमें मुझे बताना है रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी कौन सा है। तो मैं कहूँगी कि रियल पार्ट वो है जिसमें आयोटा नहीं है, तो -1/3 मेरे पास रियल पार्ट है। अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख देती, लेकिन नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन शो करना लाजमी है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इमेजिनरी पार्ट की बात करूँ तो इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या है, -2/3 है। ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स हैं वो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी, आप लोगों ने फिर असाइनमेंट में सॉल्व करके दिखाने हैं। सही, अच्छा अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, वेरीफाइड ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी फॉर Z1 एंड Z2। क्वेश्चन बस यहाँ तक है मेरे पास। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को वेरीफाई करना है। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या है, वो ये है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बस यहाँ तक होगा और आपको कह दिया जाएगा आपने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करके दिखाना है। तो पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है ना, अब ये है, इसमें मैं Z1 और Z2 की वैल्यूज पुट करूंगी और इसको सिंप्लीफाई करूंगी और वेरीफाई कर दूंगी कि ये इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। सही, करना क्या है इसमें हमें, मेरे पास Z1 और Z2 की वैल्यूज गिवन है, मैं इस पूरे में Z1 और Z2 की वैल्यूज पुट कर रही हूँ। ठीक है, डायरेक्ट काम कर रही हूँ, या तो हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, इन सबको पहले फाइंड कर लें अलग अलग, फिर सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, तब भी आंसर आ जाएंगे मेरे पास। चाहे तो आप ये कर लें, ठीक है, या फिर आप ये कर लें कि इन वैल्यूज़ को पुट करें और इसके बाद सिंप्लीफाई कर दें। मैं यहाँ वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे मोड लगा हुआ है, मॉड्यूलस, मैंने मॉड्यूलस लगाया Z1 की वैल्यू मेरे पास क्या है,
थ्री प्लस फोर आयोटा है, माइनस जेड टू की वैल्यू मेरे पास क्या है, वन माइनस आयोटा, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल्स टू मॉड्यूलस जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन की वैल्यू है थ्री प्लस फोर आयोटा प्लस जेड टू की वैल्यू मेरे पास क्या है, वन माइनस आयोटा, मैंने पुट कर दी, लेस देन एंड इक्वल्स टू जेड वन की वैल्यू थ्री प्लस फोर आयोटा प्लस जेड टू की वैल्यू है मेरे पास वन माइनस आयोटा, मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ये कौन सा साइन है, मॉड्यूलस का साइन है, और हम जानते हैं कि मॉड्यूलस के साइन किस तरह सिंप्लीफाई किया जाता है, इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से सिंप्लीफाई किया जाता है। मॉड्यूलस का साइन हटेगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने रूट लगाया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, और हम जानते हैं कभी भी आयोटा नहीं शो करते इसमें, ठीक है, माइनस, इसी तरह यहाँ करेंगे हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास वन है, वन का स्क्वायर सही, प्लस सेकंड वैल्यू क्या है, माइनस वन है, क्योंकि आयोटा का कोई वैल्यू नहीं है तो वन है, तो माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया लेस देन एंड इक्वल्स टू, ये तो सिंप्लीफाई हो रहा है, थ्री में वन प्लस किया फोर, फोर आयोटा माइनस आयोटा, थ्री आयोटा हो जाएगा, थ्री आयोटा लेस देन एंड इक्वल्स टू, यहाँ पर दोबारा सिंप्लीफिकेशन हो रही है, बिल्कुल यही चीज़ है, देखें सेम है, तो जो इसका आंसर है वही इसका आंसर होगा, ये यहाँ लिख देती हूँ मैं दोबारा, थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस, ये देखें ये और ये बिल्कुल सेम है, तो जो इसका आंसर है वही इसका आंसर होगा, इसे लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, मैंने लिख दिया, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, माइनस वन का स्क्वायर वन, और माइनस वन का स्क्वायर भी वन, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर मॉड्यूलस आ गया, मॉड्यूलस हटेगा तो क्या होगा, रूट फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल्स टू, जो इसका आंसर आया था वही इसका आंसर आएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस वन का स्क्वायर वन माइनस वन का स्क्वायर वन, सही, इसको प्लस करते हैं तो हो जाएगा रूट ट्वेंटी फाइव माइनस ये हो जाएगा रूट टू लेस देन एंड इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करें फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, थ्री का स्क्वायर नाइन लेस देन एंड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस रूट टू, सही, ये हो जाएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर 5 माइनस रूट टू लेस देन एंड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा रूट 25 लेस देन एंड इक्वल्स टू 25 का रूट 5 हो जाएगा प्लस रूट टू। अब मैं लूँगी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से इसका आंसर कैलकुलेट कर दूँगी, फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका, मेरे पास क्या है 5 माइनस रूट टू, मैंने लिखा 5 माइनस रूट टू, तो मेरे पास आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में 3.58 5 लेस देन एंड इक्वल्स टू 25 का रूट होगा मेरे पास 5 और 5 प्लस रूट टू करेंगे 5 प्लस रूट टू, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 6.414। ये देखें ये क्या है, सबसे छोटा आंसर, उससे बड़ा आंसर, सबसे बड़ा आंसर, ये इसी को शो करता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, कहते हैं इसका क्या मतलब होता है, ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये साइन क्या शो कर रहा है, ये वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये प्रूव हो गई मेरे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी प्रूफ, सही, वो क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना था, वो डायरेक्ट हम क्वेश्चन को जज करके नहीं कर सकते, आपके पास चाहे एमसीक्यूज में आए चाहे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए, पहले क्या करना होगा, हमें सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा रियल पार्ट है कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, वो तो आपको पहले भी हमने सीखा हुआ था तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का क्या था, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, मॉड्यूलस लगेगा हर जगह, मॉड्यूलस का फॉर्मूला अप्लाई होता जाएगा हमारे पास, मॉड्यूलस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, उससे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हमारे पास हमेशा क्या होगा, सबसे पहला आंसर इसका आएगा, दूसरा बड़ा आंसर, ये आंसर सबसे छोटा होगा, फिर ये आंसर उससे बड़ा, ये आंसर उससे बड़ा, अगर ये वेरीफाई कर जाता है तो आपकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगी, इसी जगह कोई और वैल्यूज भी वो आपको पेपर में गिवन कर सकते हैं, ठीक है। हमने 2.3 भी समझ लिया है, हमारे पास बाकी पार्ट्स है वो इंशाल्लाह मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी, अब इससे आगे क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।